नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे के 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक करके ये 4 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ सबसे पहले आपको बताते हैं। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर उनके द्वारा कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी किया गया है। 75,000 हितग्राहियों को उनके आवास की चाबी सौंपते हुए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है कि इस बार वो सभी लोग अपने घरों के अंदर दिवाली मनाएंगे जिनको ये आवास की चाबियाँ सौंपी गई हैं। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके अलावा भी योजनाओं की कई और सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुँचाएंगे। दूसरी बड़ी जानकारी है लखीमपुर घटना से ही जुड़ी हुई। इसमें परिजनों की तरफ से शवों के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया है। परिजन दोबारा से शव के पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसको लेकर के कुछ सवाल हैं इन परिजनों के, जो कि इनके द्वारा उठाए गए हैं। तीसरी जानकारी हम आपको बताएंगे, मंत्री के इस्तीफे की मांग अब और ज़्यादा तेज़ हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से भी ये डिमांड की गई है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं या जिस तरह से इस घटनाक्रम में आगे एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसको लेकर के जो राजनीति है वो अब जमकर हो रही है। चौथी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जो कि बहुत हैरान कर देने वाला है। इसमें सड़क पर ही कैसे मरीज का इलाज हो रहा है, व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी किस हालात में हैं। ये खबर भी हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। तो ये चारों ही बड़ी खबरें हैं कि करके आज ये बड़ी खबरें और विस्तारपूर्वक आप तक पहुंचाते हैं। पहली बड़ी खबर के साथ आज के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आज पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनके द्वारा कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया है। 75,000 हितग्राहियों को आज आवास की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सौंपी गई है। तो न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है। इसमें 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया और 75 परियोजनाएं हैं कुल जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। 75,000 लोगों को आवास की चाबी आज प्रधानमंत्री ने खुद सौंपी। इसके अलावा पीएम ने टेबल बुक का विमोचन भी किया है। इसमें 75 बेहतरीन कामों की ये टेबल बुक है जो कि आज जारी की गई है और 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। ये सरकार के विश्वास की प्रदर्शनी है, प्रधानमंत्री ने ये बात भी आज कही। इसके अलावा सरकार आवास का मालिकाना हक महिला को दे रही है, ये बात भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। कुछ लोगों की बात जिनके साथ प्रधानमंत्री की हुई उनसे बात करके संतोष मिला, ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही। और 80% घरों पर महिलाओं का मालिकाना हक है, 75 जिलों के लोगों को उनके पक्के घर की चाबी मिली है, ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने आज कई बड़ी बातों का जिक्र इस कॉन्क्लेव में किया। विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरुपर्व, ईद ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मना। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है और भोजन का निमंत्रण भी मिल गया है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर, करोड़ों शौचालय, तेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सफलता दुनिया देख रही है।
और चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले से ही जुड़ी हुई जानकारी है, लेकिन खबर बहराइच से है, क्योंकि जिन चार किसानों की मौत हुई थी उनमें से दो किसान बहराइच के मोहरनिया के भी रहने वाले हैं, और अब इनको लेकर के परिजनों की तरफ से कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। शवों के अंतिम संस्कार को करने से इनकार कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर के एतराज है और पोस्टमार्टम दोबारा से होना चाहिए, ये कहते हुए ये परिजन अब इस मांग पर अड़े हैं कि पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए। बड़ी जानकारी है बहराइच से, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़ी हुई। मोहरनिया के दो किसानों की मौत के मामले में मृतकों के अंतिम संस्कार करने पर परिजनों ने इनकार किया है। दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग उठाई गई है। लखीमपुर में हुए पोस्टमार्टम पर परिजनों को भरोसा नहीं है, ये बात कही जा रही है परिजनों की तरफ से। वो परिजनों के साथ तमाम किसान प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और किसान निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। संजय, किसान अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे हैं, परिजनों की तरफ से भी आज इसको लेकर के एतराज जताया गया है, क्या जानकारी? आयुष, देखिए मैं आपको बता दूं कि परसों जो प्रदर्शन लखीमपुर के तिकुनिया में किया गया था, जिसमें साफ तौर पर किसान जो है काले झंडे लेकर के गए थे, और उनका एक उद्देश्य था कि हमें हर हालत में उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाना है और विरोध करना है। उसमें बहराइच के भी तमाम किसान पहुंचे हुए थे, जिसमें ननपारा इलाके के बंजारन थाना और मोहरनिया के दो किसान ऐसे थे जिनकी मौत वहां पर हो गई थी, उस हिंसा में उनकी मौत हो गई थी। आज सुबह अलग सुबेरे उनके शव जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही उनका घर शव पहुंचा है, लोगों के अंदर काफी आक्रोश देखने को मिला है। जो उनके परिजन है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम वो बिल्कुल गलत आई है। उनका यह भी आरोप है, परिजनों का लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि मंत्री के दबाव में ये जो रिपोर्ट है ये बनवाई गई है। तो इसको लेकर कहीं कहीं लगातार सुबह से ही पूरा यहाँ पे बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि लगातार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ये लगा हुआ है। संजय, मुझे ये बताएं कि कल जिस तरह से प्रशासन और खासतौर से इन परिजनों के बीच में जो एक आपसी सहमति बनी, उसके बाद सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए थे कि अब अंतिम संस्कार किया जाएगा, फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के जो सवाल है वो क्यों उठने शुरू हुए और किस बात को लेकर के जो एतराज है वो परिजनों की तरफ से जताया गया, इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझाएं। आयुष, देखिए थोड़ा सा मैं आपको विस्तार में बता देता हूँ, क्योंकि कल हुआ ये था कि जब राकेश टिकैत जैसे ही गाजियाबाद से लखीमपुर पहुंचे तो राकेश टिकैत के साथ तमाम अधिकारियों की बात हुई और बात होने के बाद 45 लाख रुपए मुआवजे पे बात जो है वो बन गई, और बनने के बाद ये हुआ कि अभी पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन बात यही हुई थी कि जो पोस्टमार्टम होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, क्योंकि इसमें आरोप ये लग रहा है कि जो एक किसान है उसके कनपट्टी पे गोली लगी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी गोली लगना दर्शाया नहीं गया। तो साफ तौर पर उनके परिवार का ही कहना है कि हमने वीडियो बनाई है कि लगातार वो दिखाई पड़ रहा है कि सर में छेद है, ऐसे में जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगना नहीं दर्शाया गया है तो कैसे उसको सत्य माना जाए, किसी को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। उनका कहना यह है कि मंत्री के दबाव में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बताई गई है ताकि मंत्री के बेटे को बचाया जा सके, इसको लेकर के परिजन लगातार मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सुबह से लगातार तकरीबन हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंच चुके हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। हमने अभी आपको दिखाया भी कि प्रदर्शन में पहुंच रही थी सावित्रीबाई फुले जो पूर्व सांसद थी, उनके साथ भी गई है। बिल्कुल संजय, बहुत जल्दी से ये अपडेट करें, क्योंकि अभी भी आप बता रहे हैं प्रशासन के साथ जो बातचीत है वो चल रही है, क्या कोई सुलह या समझौता या फिर किसी बात पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है कि जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा उसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस पर अड़े हुए हैं अभी परिजन और किसान, क्या स्थिति है फिलहाल, अपडेट करें। आयुष, हालिया अपडेट में अभी आपको तत्काल का भी दे देता हूँ। पंजाबी अभिनेत्री है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार प्रदेश सरकार पे हमला बोल रही है, केंद्र सरकार पे हमला बोल रही है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है, इसको हम कतई मांग नहीं करेंगे। और उनके साफ तौर पे उन्होंने कहा है, परिजनों के साथ मिलने के बाद उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि जब तक पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से नहीं होता है तब तक ये किसी भी कीमत पर अंतिम संस्कार नहीं होगा, चाहे एक दिन लगे या महीनों लगे। लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कुछ समझौता हो जाए, लेकिन अभी भी जो परिजन है वो अड़े हुए हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। लखीमपुर घटना को लेकर के आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां पर उनको आगे जाने से रोका गया और उसके बाद आज धरना प्रदर्शन वहीं पर करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम नजर आए। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को रोका गया है, लखनऊ एयरपोर्ट आज पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। इसके अलावा आपको बता दें प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू, इन सब पर केस भी दर्ज हो चुका है। दीपेंद्र हुड्डा पर भी 151 के तहत केस दर्ज हुआ है। पिछले 28 घंटे से आपको बता दें कि सीतापुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी नजरबंद हैं और अब केस भी इनके खिलाफ दर्ज हुआ है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भी पहुंचे हैं, जो कि लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। और उसके बाद वो तस्वीरें भी आपने देखी कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद एयरपोर्ट पर
जमीन पर बैठ करके विरोध करते हुए नजर आए और अधिकारियों से पूछ रहे थे कि आखिर उनको आगे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा एयरपोर्ट बाहर था। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की भी मौजूदगी थी और छत्तीसगढ़ के सीएम आज विरोध करते हुए नजर आए हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं, खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। खुर्रम, इस समय फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं लखनऊ एयरपोर्ट, उसके बाद उनके विरोध की तस्वीरों को भी हम लोगों ने देखा, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में क्या अपडेट है? देखिए, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस शासित राज्य है, वो आए थे लखीमपुर जाने के लिए, लेकिन उनको रोक दिया गया वहां पर। कल ही आदेश हो गया था कि उनको उतरने न दिया जाए एयरपोर्ट पर, और लेकिन वो फिर भी आए, उनको इजाज़त नहीं थी अगर उस आदेश के हिसाब से देखें तो, लेकिन वो आए, उसके बाद उनको एयरपोर्ट के अंदर ही रोक दिया गया। उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2:30 बजे करनी थी, लेकिन उनको ऐसे नहीं करने दिया गया। बाद में उन्होंने जूम लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बाहर निकलने दिया जा रहा है। जो प्रशासन है उसका ये तर्क है कि पहले से उनके पास इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर उतरने दिया जाए, लेकिन वो फिर भी आ गए हैं, तो लिहाजा अब उनको वहीं से वापस करने की तैयारी में प्रशासन है, क्योंकि उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। वो इस बात पर अड़े हुए हैं और लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है। इससे पहले जिस दिन ये घटना हुई थी, एससी मिश्रा यानी कि परसों एससी मिश्रा को जब ये नोटिस सर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने जाने का मन बदल दिया था और वो वापस घर चले गए थे। लेकिन यहाँ पर मामला इसलिए बढ़ गया क्योंकि भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो एयरपोर्ट पहुँच गए, जबकि एक दिन पहले ही इस बात को साफ कर दिया गया था कि ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और ना ही भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनको एयरपोर्ट आने की इजाज़त दिया जाए, लेकिन फिर भी आ गए, तो लिहाजा उनको वहीं रोक दिया गया, जिसके फलस्वरूप वो धरने पर बैठ गए। नजर आ रही है भूपेश बघेल की तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने यह भी देखा है कि उनको ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी हाल में ही दी गई है, इसलिए भी वो जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि चुनावी मौसम भी है, जाना भी जरूरी है, ऑब्जर्वर की भी जिम्मेदारी है, इसलिए ये ज्यादा विरोध प्रदर्शन हम लोगों को उधर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि और मुख्यमंत्रियों ने भी कोशिश की लेकिन जब मना किया गया तो वो नहीं आए, जैसा कि आप खुद बता रहे हो, जानकारी है हम लोगों के पास, लेकिन कैसे देखेंगे, क्या जो जिम्मेदारी दी गई है उस वजह से भी ये एक्टिवनेस ज्यादा नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये लखीमपुर घटना हुई, उसके बाद से सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज ये अपोजिशन की, वो हाइपर एक्टिव हो गए। उसके बाद से सबने कहा कि वो लखीमपुर जाएंगे, और सबको जैसे ही अनाउंसमेंट होती है सबको नज़रबंद कर दिया गया। फिर खबर ये आती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी लखीमपुर जाएंगे, जिसके बाद ही ये आदेश पारित हो गया था कि इन लोगों को एयरपोर्ट पर उतरने ना दिया जाए। जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो इजाज़त मांगी, लेकिन बघेल जो कि ऑब्जर्वर भी हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश चुनाव के, वो आ गए एयरपोर्ट पर, उसके बाद उनको वहीं रोक दिया गया। जो बड़े नेता वहाँ थे उनको रिसीव करने के लिए, उनको बाहर कर दिया गया, उनसे साफ कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ऐसा आदेश हमारे पास नहीं है, लिहाजा वो धरने पर बैठ गए। उनका कहना कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, आखिर मुझको आप कैसे रोक सकते हैं, और साथ ही ऑब्जर्वर की भी उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, तो धरने पर बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का एयरपोर्ट के अंदर ही रोक लिया गया है, तो अब देखना ये होगा कि ये जो एक तरीके जो लॉगर हेड वाली स्थिति है पैदा एयरपोर्ट के अंदर, वो कब खत्म होती है और कैसे खत्म होती है। बिल्कुल खुर्रम, लेकिन एक चीज़ और मुझे बताएं, क्योंकि प्रियंका गांधी हों या दीपेंद्र हुड्डा हों, इन सबको हम लोग देख रहे हैं कि एक तो प्रियंका गांधी वैसे पिछले 28 घंटे से नजरबंद करके रखा गया है, 151 के तहत इन पर मामला भी दर्ज हुआ है, इसको लेकर के अभी और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि भूपेश बघेल विरोध पर बैठे हैं, दूसरी तरफ नजरबंद जिनको किया गया उनके खिलाफ 151 के मामले भी हैं, इस विषय में और क्या जानकारी है खुर्रम? देखिए, 24 घंटे के ऊपर आप किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते हैं, ऐसा लॉ कहता है। 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया था और लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी रेज किया था कि बिना बात के, और ये बकायदा ट्वीट भी किया गया था कांग्रेस तरफ से कि बगैर किसी FIR के, बगैर किसी नोटिस के, आप कैसे किसी को डिटेन कर सकते हैं, इसके बाद ही ये मुकदमा दर्ज होता है। और जाहिर सी बात है कि ये जमानत तो 7 साल से कम की सजा है, लिहाजा जमानत तो थाने ही से हो जाएगी, लेकिन जो पूरी मशक्कत इस बात की है कि प्रियंका गांधी लखीमपुर का रुख ना कर सकें, और प्रियंका गांधी बजिद हैं इस बात को कि वो लखीमपुर जाएंगी, और जो मरहम मिला है वहाँ किसानों को, उस पर जो जख्म मिला है, माफ करिएगा, जो जख्म मिला है उस पर मरहम लगाएंगी, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि वो लखीमपुर जाए, तो लिहाजा
उनको डिटेन कर लिया गया था। आप देखना ये होगा, मुकदमा दर्ज हो गया है, तो अब स्थिति क्या बनती है, क्योंकि कांग्रेसी हैं वो सीतापुर में मौजूद हैं भारी तादाद में और लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुर्रम, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि आप जो बात बता रहे हैं वो वाकई में बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरह से इसमें घटनाक्रम में हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर के भी अब सरकार की तरफ से इस तरीके का एक्शन है। रोहित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रोहित, सीतापुर में समय फिलहाल की अपडेट है, क्योंकि 28 घंटे से प्रियंका गांधी को वहीं पर हाउस अरेस्ट नजर बंद करके रखा गया है, फिलहाल जानकारी आपके पास क्या है, और वहां पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज विरोध किया है, बैरिकेड्स को तोड़ा है, जानकारी क्या? प्रियंका गांधी को यहाँ रखा गया है, जिसको लेकर जब पुलिस से भी सवाल किया गया, जिला प्रशासन से सवाल किया गया कि 24 घंटे से ज्यादा आप इनको नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि आप बात सही करें, सिर्फ शहीद जो इनके 151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई भी की गई है, चालानी नोटिस भी दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप हर जिले से, कई प्रदेश के, कई अलग अलग जगह से नेता यहाँ पर उपस्थित हुए, काफी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठा हो गए। इसको लेकर यहाँ पर पंडाल लगाने को लेकर और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर पुलिस से काफी नोकझोंक हुई है, अंदर आने के लिए भी बैरिकेडिंग वगैरह भी तोड़नी पड़ी है, काफी गहमा गहमी के बाद कहीं जाकर यहाँ पर कांग्रेसी अंदर घुस पाए। जी रोहित, क्या पूरे शहर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जहां पर प्रियंका गांधी को रखा गया है उस जगह पर ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये विरोध देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप बता रहे हैं टेंट लगाने की भी वहां पर कोशिश हो रही है, खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है, जब तक उनको नजरबंद से हटाया नहीं जाएगा या छोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये विरोध चलेगा, या इसके आगे भी कोई रणनीति है? क्या बातचीत आपकी वहां पर हुई है नेताओं से, थोड़ा उसको भी अपडेट करें। बिल्कुल, मैं बता दूं, जब यहाँ पे नेताओं से बात की गई तो इनका कहना है कि जब तक लखीमपुर में जो घटना हुई है उसमें जो सरकार के द्वारा जो मरहम लगाया गया है, लेकिन वो मरहम नहीं है, जो जख्म दिया गया है उसमें मरहम लगाने का सिर्फ नाम दिया गया, लगाया नहीं गया, जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया गया है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई है, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, मंत्री जी को पद से नहीं हटाया गया। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगर हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो कोई हम लोग वहाँ उपद्रव करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, आखिर हम लोग ऐसी कौन सी घटना कर रहे हैं जो हमको नहीं मिलने दिया जा रहा है। साथ साथ इनका ये भी कहना है जो आरोपी है उनको तो नहीं पकड़ा जा रहा है और हम लोगों को उल्टा पकड़ के बंद किया गया है जबकि वहाँ मिलने जाना चाहते हैं। यहाँ कुछ लोग बाहर से भी आए, कुछ कांग्रेसी हैं, इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं कि जब शहर में घुसे हैं तो इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? जी मैं गाजीपुर से आ रहा हूँ, शहीदों की धरती से, मैं वहाँ जिला महासचिव हूँ, सदर विधानसभा का प्रभारी सदीप उपाध्याय। यहाँ पे आप आए हैं, कितनी दिक्कतें हुई, कहाँ कहाँ को रोका गया? मैं जब वहाँ से सबसे पहले हम लोग चले और बनारस आने के बाद, बनारस से जब हम लोग जिस भी टोल नाके पे आते थे उस टोल नाके पे जो है पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा जो है हमें वहाँ रोका गया, तो हमने अपने गाड़ी के झंडे और अपने ड्रेस हम जो है हाफ पैंट में हो लिए, लुंगी में हो लिए, और यहाँ तक जो है मरीजों का जो है दिखाते हुए, और उसके बाद आने के बाद यहाँ भी हमको जो है मेन गेट पे जब रोका गया तो बाएं साइड से जो है कॉलोनी में इन लोगों ने बैरिकेड लकड़ी का किया हुआ था, तो उस लकड़ी के मास्क को हटाकर और हम सभी लोग जो है अंदर घुस गए। देखिए, लोगों से बात की जा रही है तो इनका ये कहना है यहाँ आने के लिए हम लोग भेष बदल रहे हैं, कहीं मरीज को बता रहे हैं लेके जा रहे हैं, कहीं कपड़े बदल रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँच पा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार सीतापुर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, प्रियंका गांधी को वहीं पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखा गया है और इसलिए कांग्रेस की तरफ से विरोध लगातार चल रहा है। अगली बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी बड़ा निशाना साधा गया है लखीमपुर घटना को लेकर के, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग अब अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मंत्री का बेटा दोषी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी ने किसानों का उत्पीड़न किया है और बीजेपी अपना संकल्प पत्र भूल चुकी है, ये बात भी आज अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। तो मंत्री का बेटा दोषी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, अखिलेश यादव की तरफ से आज ये बड़ा बयान दिया गया लखीमपुर घटना को लेकर के। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि किसानों का उत्पीड़न सरकार कर रही है और इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को। ये बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है, बीजेपी ने किसानों का उत्पीड़न किया है और बीजेपी अपना संकल्प पत्र भूल चुकी है, अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा हमला बोलते हुए ये बात कही गई। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है और लखीमपुर खीरी हिंसा पर अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है, मंत्री का बेटा दोषी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी ने किसानों का उत्पीड़न किया है, अखिलेश यादव ने इस बात को कहा और बीजेपी अपना संकल्प पत्र भूल चुकी है, यह बात भी कही गई अखिलेश यादव की तरफ से। तो लगातार आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस घटनाक्रम को लेकर के हमलावर हैं, कल भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी,
धरने पर भी कल अखिलेश यादव बैठे थे। हालांकि उसके बाद प्रशासन और किसान के बीच में जब सहमति बनी तो उन्होंने अपने धरने को समाप्त किया, लेकिन आज एक बार फिर से उसी खबर इसी जानकारी को लेकर के जो हमला है वो बोला है और बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव कि इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, अखिलेश की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है, सीधे तौर पर कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनका बेटा दोषी है, क्या जानकारी? बिल्कुल, अखिलेश कल से ही मांग कर रहे हैं किसानों जो मांगे, किसानों जो है इसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बार उन्होंने अखिलेश यादव है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए उनके पुत्र की। चलिए नरेंद्र, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है, कल भी उन्होंने इसी तरीके से कई बड़े बयान दिए थे और आज एक बार फिर से उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद से बड़ी जानकारी है, एक वीडियो फिरोजाबाद से इस समय वायरल हो रहा है जो कि बेहद हैरान कर देने वाला है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलता हुआ ये वीडियो है जब सर्विस रोड पर लेटा करके एक मरीज का इलाज किया जा रहा है। एक वीडियो इस समय खूब वायरल है, सड़क पर इलाज करता हुआ ये वीडियो इस समय वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद में प्रशासन एक्शन में आया है। एडिशनल सीएमओ ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की है और एडिशनल सीएमओ ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। इसके अलावा जमीन पर लेटे मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन सर्विस रोड पर किस तरीके से इलाज हो रहा था, ये अपने आप में तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली। फिरोजाबाद से ये जानकारी सामने आई जब सर्विस रोड पर लेटा करके एक मरीज का इलाज करती हुई कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और प्रशासन की तरफ से अब इस पर संज्ञान लिया गया है। अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है, मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सर्विस रोड पर किस तरीके से लेटा करके एक मरीज का इलाज किया जा रहा था। फिरोजाबाद से जानकारी है, सर्विस रोड पर लेटा करके मरीज का इलाज करते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है और एडिशनल सीएमओ ने पुलिस बल के साथ छापा मारा है। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।